गाइस आज हम गए थे, हम तीनों एक्चुअली गए थे मिस्टर डीआईवाई में और हमको जो है मिली ये चॉपस्टिक, 5 पेयर्स हैं और वो हमें मिली है कितने को, वो हमें 102 की थी बट 98 रुपीज में मिल गई। हाँ क्या पता क्यों, लेकिन हम आपने लास्ट टाइम देख ही लिया होगा कि जब हम सुशी खा रहे थे तब इसने तो काफी ठीक से खाया था, मैं तो वाटी लगी थी, मैंने हाथ से खाया था। तो हम सोच रहे कि अभी हम ये यूज करें और इससे ट्राई करें मैक्सिमम चीजें खाने का। तो स्टे ट्यून्ड गाइस हमारे वीडियो के लिए। एक पैर निकाल के, क्या है उसका टेक्सचर, मतलब मुझे लगा था कि इतने सस्ते है कि प्लास्टिक के होंगे, बट नहीं, ये ऐसा लग रहा है मुझे जो विंडो के इस पे होता है ना, कलर लगा विंडो का, हाँ रेल, बट ये बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है। मतलब अगर मुझे कोई बोले कि ये 100 रुपए का एक पैर है तो भी मैं शायद मान जाऊँ, टूट भी जाएगा तो क्या ही होगा, 20 रुपए का एक है, मतलब 20 रुपए का ही पड़ा होगा। हमने जो है राइस के साथ चिकन करी ली है और हम अभी, इन्होंने तो इतने बड़े बड़े पीसेस लिए मुझे पता नहीं कि ये कैसे खाएंगी, लेकिन हम ट्राई करने वाले हैं कि इससे हम कैसे खाएंगे। लेट्स गो सिद्धि, ओ माय गॉड शी इज एन एक्सपर्ट, सिद्धि बीटीएस फैन, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है। आप दिखा सकते हैं आप कैसे खा रही हो, ओनली इफ यू कैन, ओ माय गॉड यू विन, ओ गॉड तू ला बना ले। अच्छा दीदी खा जा, अभी हम खाएंगे, शायद तब तक सिद्धि का खा के भी हो जाएगा। राइस, राइस इज द मेन एलिमेंट। ओके ओके सिद्धि इज विनिंग, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ, इम्पॉसिबल तो नहीं होगा। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ये देखो मेरा मिक्स हो रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है। या नहीं, मेरा स्टाइल ये है दोनों लेने का। और वाओ, हाँ सुदीप बरोबर करते हैं ना, मी आणि दोन चॉपस्टिक्स घे असं कर, मी असं करू का, आय विल, मी प्रूव करणार, 2 मिनिटात मी एक्सपर्ट होणार आहे। बाय ये शिनचान ऐसे खाता है, शिनचान ऐसे खाता है जो उसको खाने नहीं आता है, इफ यू गाइस कैन रिकॉल, हता नहीं हा। तो वो था हमारा डे 1 ऑफ ईटिंग विद चॉपस्टिक्स, डे 1 भी नहीं बोल सकते, एक ही घंटा हुआ था हमको, और फिर हमने सोचा कि एवरी डे हम थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे चॉपस्टिक्स से। तो आज मैं लाई हूँ फरसान और देखते हैं कि हम कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है करो, ओके गौरी को थोड़ा सा आ गया है, ओ यस यस शी डिड इट, आप दोनों से बेटर क्योंकि मैंने रोज दिन रात प्रैक्टिस किया है, और पॉपकॉर्न भी मैंने चॉपस्टिक से खाए हैं, मैंने जामुन भी, गलत है ना सिद्धि, है मैंने जामुन भी चॉपस्टिक से खाने की तो गाइस जब हम कर रहे थे ये वीडियो तो हमने सोचा कि चॉपस्टिक से खाना इतना डिफिकल्ट क्यों है, मतलब और क्यों खाते भी होंगे चॉपस्टिक से जबकि हाथ से खा सकते हैं या फिर स्पून से खा सकते हैं। तो मैंने किया गूगल और यहाँ पर मुझे पता चला कि चॉपस्टिक्स रिक्वायर द यूज ऑफ 80 और जॉइंट्स एंड मोर देन 50 मसल्स इन द शोल्डर, आर्म, हैंड्स और फिंगर्स, और कोई क्रैनिकल नर्व्स भी यूज होते हैं, एंड इट बिल्ड्स एक्सेलेंट आई हैंड कोऑर्डिनेशन। तो हमने सोचा कि अभी हमने नॉर्मल, मतलब बेसिक से तो हम ऊपर आ चुके हैं और हम छोटी छोटी चीज़ें भी खा रहे, तो अब हमारा टास्क होगा या चैलेंज होगा कि हम ऐसी चीज़ें खाएं जो नॉर्मल चॉपस्टिक्स यूजर्स भी बोलते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है खाना। ठीक है तो हम अभी ट्राई करेंगे, हम पहले जाके रिसर्च करेंगे कि डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं कौन सी, और फिर हम वन बाय वन करके वो चैलेंजेस कंप्लीट करेंगे। तो हमने सोचा कि डिफ़िकल्टी लेवल्स रखते हैं 3, और पहले तो हमें समझ में आया कि जो डिफ़िकल्ट चीज़ है चॉपस्टिक से खाने वाली वो है कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत स्लाइमी हो। तो हमने ये रामे, इंस्टेंट रामे मंगाया जो बहुत स्लाइमी है जिसमें ऑयल वॉयल ऊपर से डलता है, तो ये डिफ़िकल्टी लेवल 1 होगा, और उसके बाद होगा डिफ़िकल्टी लेवल 2 और 3। तो पहले हम ये वाला देखते हैं कि हमको आता है या नहीं।
1, 2, 3 स्टार्ट। ये तो बहुत तीखा है। ये है, नाम नहीं पता, कोरियन वेज रामे इंस्टेंट। तो गाइज ये है निसिन का हॉट एंड स्पाइसी कोरियन वेज फ्लेवर रामे जो हमने अभी खाया। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ये तीखा है, लेकिन बहुत अच्छा भी है वैसे तो। ये तो बहुत ही तीखा है। गॉड ओशन। चॉपस्टिक के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल 1, बट स्पाइसी के हिसाब से जो मैं बोल रही थी कि मैंने पूरा रखा इस बार, स्पाइस ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ स्पाइस लेवल हाई। डिफिकल्टी लेवल 1 हो गया है कंप्लीट। चैलेंज हमने किया सक्सेसफुली कम्प्लीट। तो गाइज हमने गूगल पे किया सर्च और हमें पता चला कि बहुत जो लोगों को डिफिकल्ट लगता है चॉपस्टिक से खाना वो है स्किटल्स। तो हमने ये मंगा लिए और अब हम ये खाएंगे विद चॉपस्टिक्स। हाउ एक्साइटेड आर यू गाइज टू ट्राई दिस आउट? आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या आपको लगता है कि आप ये कर पाएंगी? यस एक्चुअली वाओ। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, शोधन शोधन बोले हैं वो। हाँ तो मुझे लगता है ये डिफिकल्ट होगा। वो नूडल्स इजी थे, काफी इजी नहीं थे लेकिन चॉपस्टिक से इजी थे। तो हम पीछे रखते हैं और हम ट्राई करते हैं अभी। और सबसे पहले कलर येलो। येलो ओह गॉड ये डिफिकल्ट है। ओह माय गॉड हाँ ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ये ज्यादा ओके अबे भाई सब पर ओके। मैंने अपना ये चेंज कर दिया येलो। ये डिफिकल्टी लेवल हार्ड है क्या? ये डिफिकल्टी लेवल 2 है। अरे आ गया मेरा। मेरा नहीं आ रहा। डजंट काउंट। हम बाबा गालियां आ रही है मुंह से। मैं इधर वाला लूंगी। सिद्धि एक सिद्धि एक से येलो खाइचा है। हां ये दर्द थाम जरा थोड़ा। हां आ गए। हां हेलो तुमको दिख रहा है क्या? मुंह इतना पास लाएगी तो ऑब्वियसली वो भी नहीं गया। अभी उठा के रुक रहे। सांभा जरा। नेक्स्ट कलर है ग्रीन। ग्रीन लेट्स डू दिस गाइस। अभी कौन सुगरते है भाई? कर तेरी जोर के ले सिद्धि। ये लगा तेरी टेक्निक कर ले। बता दो मैं तुझे। यस मुझे लगा कि मुझे आ गया बट मुझे नहीं आया। अभी तू जस्ट तू दिखे वर्थलेस। अयो है डिफिकल्ट है। इनको नहीं गिरा। सिद्धि तो कैसे गिरा? 2000 years later. Yes. तिने तसं लांब दाखवलं मला। हा एवढं तर आहे एवढं। हो गया हो गया। नेक्स्ट कलर इज ऑरेंज। मैं सबसे पहले करके दिखाऊंगी इस बार। ओ माय गॉड आ दीदी खांदा तुझा घाल है चाट मध्ये। और मेरा भी नहीं आ रहा है अभी तो। मैं जा रही हूं ऑलमोस्ट। आ ओए नहीं हुआ है। डजंट काउंट। काय डजंट काउंट है वो? हाथातून नहीं प्लेट में परत। ये देखो गॉड मला सेकंड तर यायचं आहे लास्ट नाही यायचं आहे।
ओ शिट 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 ऑरेंज का तेरी इशू चल रहा है ब्राउन यस ब्राउन एंड आई एम डूइंग इट फर्स्ट डन सिद्धि मैं लास्ट हूँ क्या इस टाइम नहीं हाँ हाँ तू लास्ट है अरे को सी पकड़ो वो दिखा भी रही है मैं तो उतनी हिम्मत नहीं कर सकती मैं तो अब नेक्स्ट टाइम आई हैव टू फाइट दैट वन लास्ट कलर है रेड और अब मैं तुमको दिखाऊंगी भी ये मेरा फेवरेट है ये मैंने पहले नहीं किया तुम देखो ये देखो अरे भाई खूब डिफिकल्ट है इसका कुछ टेक्निक नहीं है ये बस आ गया तो आ गया तो लेवल टू हमने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली लेडीज एंड जेंटलमैन जो लास्ट दी मोस्ट डिफिकल्ट लेवल है जो हमने इतना सारा गूगल पे सर्च किया तो मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है कि एग सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो हम देखना चाहते हैं कि हमने बाकी दो लेवल्स इतने ईजिली पार कर लिए कि तो क्या ये हमारे लिए इतना डिफिकल्ट होने वाला है क्या आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए हाँ, होने वाला है मुझे नहीं लगता क्योंकि लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट था अभी ये वाला मुझे लग रहा है मे बी हो जाएगा मुझे भी लग रहा है कि हो ही जाएगा मतलब बस ये हैवी है थोड़ा सो उसका मुझे पता नहीं खाने के लिए हाँ लेट्स स्टार्ट 1 2 3 देखते कौन फर्स्ट आता है देखो ये घर से प्रैक्टिस करके आई है इधर आके झूठ बोलती है मम्मी अरे एक बाइट हे बगल आई जस्ट बैलेंस्ड इट मैंने उठाया था अभी गिर गया आपको नहीं हो रहा है तो इसको टोक के भी खा सकते नो चीटिंग है सिद्धि ए मैंने उठाया हाँ, था मैंने उठाया था हुआ मेरा मे बी एक ट्राई में ही पूरा एक अगर खा लिया तो मतलब है बाइट तो लेना थोड़ा मुश्किल है अंडा इज माई दी मोस्ट अनफेवरेट I love it. Cheers. Is it yours? Oh, atta karunda kote. De cheers. Cheers. Mara tarat karna. Cheers. Cheers. Heka hai. Wo lati na tu. Oh, bada bada. नहीं था हाँ वो अलग बात है ये खाने के टेबल पे अगर मैं ये खा रही हूँ और 50 बार नीचे गिर रहा है और फिर मैं उठा के खा रही हूँ तो मतलब वो थोड़ा सा लेकिन मैंने बोला था ना कि इतने सारे मसल्स यूज होते हैं आई और हैंड कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली तो उस चीज़ के लिए मे बी मैं सीखूँ अच्छे से और मे बी मैं रोज किसी से खाऊँ ताकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए हाँ बट मेरा फेवरेट लेवल 2 था डिफिकल्ट था वो सही में ये डिफिकल्ट क्यों बोल रहे हैं रेडिट पे फिर क्योंकि तूने खाया और वो गिर गया प्लेट में तो उड़ के किधर भी जा सकता है मे बी इसलिए तो देखो इसी बात पर हम करते हैं वीडियो कॉन्क्लूड क्योंकि हमको आ चुका है चॉपस्टिक से खाना और हर चीज खाना सो बाय गाइस और सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना बाय